पिछले 4-5 दिनों से इंस्टाग्राम पर एक बहुत अजीब सी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, जिसमें एक उड़ता हुआ तीर और एक पड़ी हुई लकड़ी एक दूसरे को 5 फुटा बोल रहा है तो दूसरा मीठा बोल रहा है, पहला उसे बलात्कारी बोल रहा है। बार बार झगड़े के वेन्यू चेंज कर रहे हैं, कभी नोएडा बुला रहे हैं, कभी बहादुरगढ़ बुला रहे हैं, कभी आसोता बुला रहे हैं। मॉर्निंग गाइस, तो आपने पिछला ब्लॉग मेरा देखा होगा, मोबाइल का जो टूट गया था, कल मैं अपलोड नहीं कर पाया था, कल या परसों मैं अपलोड नहीं कर पाया था ब्लॉग, इसमें एडिटेड पड़ा हुआ था। रही परसों की बात और कल की बात, कल तो न्यूज आई गई थी, वो रजत दलाल और राजवीर ठाकुर के बीच जो लड़ाई हो रही थी, राजवीर फिटनेस के नाम से जो है भाई, पूरे टाइम रिफ्रेश रिफ्रेश इंस्टाग्राम पर पूरे टाइम रिफ्रेश करता रहा मैं। अब फाइट होगी, अब नोटिफिकेशन आएगा, अब अपडेट आएगा। फिर मैंने लास्ट वीडियो देखा कि राजवीर, मतलब जहां बुलाया था रजत दलाल ने उसको, राजवीर राजवीर को, पर राजवीर वहां गया नहीं था। अब तू नो कह रहा, अब यहाँ आ जाओ, फलाना आ जाओ, ढिकना आ जाओ, कौन तेरे बदमाश है, तेरी गांड में बढ़ा दूंगा बदमाशी तेरी, आगे समझ में तेरी में, तू समाज खराब मत करे। मेरे बहुत भाई है जाट भी, और कोई कोई आज तक काई की भी कोई बात ना सुनी जो कोई अपोजिट काई के बोलते हो कैसो भी, तू पागल वागल हो गए, टर्मिन पर मिने छोड़ दे, आगे समझ में अपने जीवन जी ले, बढ़िया रहेगा बहुत तरीका से, तेरी समझ में आ जाएगी बहुत बढ़िया तरीका से, मैं तो समझा दूंगा, अब के मिल गो ना तू, अब के तो समझा ही दूंगा बढ़िया तरीका से। तो पता चला वहां हरियाणा पुलिस आ गई और रजत दलाल को उठा के ले गए। तो भाई ऐसा है, समझदारी की बात कर दो तो लोगों को लगता है कि भाई सामने वाला डर रहा है, कि भाई कानून व्यवस्था खराब नहीं करनी, तो जो उसमें कमेंट कर रहे हैं चिंटू पिंटू छोटे छोटे की तेरी फट गई, भाई मेरी तो ना फटी, लेकिन पहले दूसरे वॉरियर को थारे से छुड़ा लाओ, उसे पुलिस ने उठा लिया तुम्हारे चक्कर में, बना बदमाश तुम जैसे ना हो ना तो सबके घर में शांति की रोटी चल रही हो। साड़ो मैं तो लड़ने आऊं, पर उसे तो छुटा के लाओ, हरियाणा पुलिस ने, बहादुरगढ़ पुलिस ने उसे उठा लिया, उसके फोन जमा कर रखे, उसे बिठा रखा थाने में, पहले जाके चिंटू पिंटू से छुड़ा के लाओ, बाद में सोचना लड़ाई का। मतलब उस दिन रजत दलाल ने एक भी स्टोरी नहीं डाला, और जो पहले की स्टोरी थी सब डिलीट कर दिया, इधर से राजवीर ने स्टोरी डिलीट कर दी, जो भी एक दूसरे को धमकाने के लिए डाल रहे थे, गैंग जमा कर रहे थे, आपस की लड़ाई को जातिवादी की लड़ाई बना रहे थे, 36 बिरादरी को लेके घूम रहे थे इधर से उधर। तो भाई ऐसा है, पूरी 36 बिरादरी से मेरी राम राम, मेरे जाट भाइयों को मेरी राम राम, गुजर भाइयों को, पंडित भाइयों को, यादव भाइयों को, सबको राम राम है भाई, सबसे बहुत प्यार है। मैं राजवीर सिसोदिया 6884 से राजपुर, ठीक है, छोटा मोटा झगड़ा हुआ हमारा, उसे जातिवाद की लड़ाई बनाई जा रहा, जो हिंदू समाज है ना उसके जो मेन पिलर है अजगर, जाट, गुजर, राजपूत, पंडित, यादव, अगर यही आपस में लड़ गए ना ऐसे चिंदियों के चक्कर में, तो भाई देश में कुछ नहीं है फिर, हिंदू समाज भूल जाओ, ठीक है। हमारे खून में इतनी गर्मी है, जिसे जैसा झगड़ा करना हो, लात से, घूसे से, गाड़ी से, घोड़े से, जैसे जिसे लड़ना हो तैयार रहो। ये इतनी सी बात की जो जातिवाद बना दी, मैंने जुबान दे दी है, अगर मैंने जाटों को कुछ कही है घर घर आके गाम गाम आके माफी मांगूंगा, ठाकुर की जुबान है, अगर कही है, मेरे खून में इतनी कमजोरी ना है कि किसी की जात को या किसी की बहन को गाली देके अपने आप को मर दिखाऊं। हाँ, पर मुझे ऐसा भी लगा है सच में कि आप तले गई हो, क्योंकि उस दिन स्टोरी नहीं डली, रजत दलाल की तरफ से एक भी स्टोरी नहीं डली, ना एक भी रील डली, उसके अगले दिन डली, जो कह रहा है मैं तो घर पे हूँ, भाई कहाँ बेल हुई मेरी, मैं तो घर पे ही था, बेल कहाँ हुई। तो भाई मेरी 36 बिरादरी को मेरी राम राम है। समाज में ना भाई भाईचारा बना के रखने वाली बात होती है, पर कुछ शरारती तत्व होते हैं इनके जैसे, जिनकी वजह से भाईचारा खराब होता है। मेरा कोई लेना देना नहीं था, जिसके बावजूद ये चीजें शुरू हुई, बहुत गलत तरीके से चीजें हो सकती हैं, पर मैं चाहूंगा सही हिसाब से हो। 2 या 3 दिन में एक बैठक बुला रहा हूं, मैं चाहूंगा सब वहां पे उपस्थित हो, खासकर मेरे जाट भाई और पूरी 36 बिरादरी। अगर मेरा कहीं कसूर होगा तो मैं माफी मांगूंगा, और अगर मेरा कसूर नहीं होता, सामने से कसूर है, तो इनका हुक्का पानी बंद कराना है या क्या कराना है, वो चीज आप बताओगे आपके सुपुर्द। राम राम जी। बाकी तो उसने डिलीट कर दिया, मैं तो सोचा था रखो, बाकी स्टोरी से डिलीट करवा दिया गया हरियाणा पुलिस के द्वारा, दिखाता हूँ मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स। देखो मैं जाट समाज से हूँ, अनूप भाई साहब हमारे जाट समाज से थे, वहां पे नितिन भाई हमारे गुजर समाज से थे, एलविश भाई हमारे यादव समाज से हैं, हर समाज का बंदा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहां पे प्रेजेंट था। तो एक बहुत छोटी सी गुजारिश करूंगा मैं सामने आके सबसे, कि भाई छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी गलतियां सबसे होती है, पिछले 2 महीने में मैंने कितनी करी है, अगर खुद से देखोगे तो तुम भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ गलती करते ही हो, पर अगर उन चीजों की वजह से कोई कम्युनिटी एंकल बना देता है, और कल को तुम्हारी वजह से दो बिरादरियां लड़ रही है ना, तो उससे बेकार चीज कुछ नहीं हो सकती। वैसे अगर अकील पकील होता
आखिर मतलब अकेले में लड़ाई होती तो रजत दलाल तो चटका देता, सही में चटका देता सही से। और ये मैं पहले से जानता था कि लड़ाई नहीं होगी दोनों के आपस में। पिछले 4-5 दिनों से इंस्टाग्राम पर एक बहुत अजीब सी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, जिसमें एक उड़ता हुआ तीर और एक पड़ी हुई लकड़ी एक दूसरे को 5 फुटा बोल रहा है, तो दूसरा मीठा बोल रहा है, तो पहला उसे बलात्कारी बोल रहा है। अनंत अंबानी जी की प्री वेडिंग की तरह बार बार झगड़े के वेन्यू चेंज कर रहे हैं, कभी नोएडा बुला रहे हैं, कभी बहादुरगढ़ बुला रहे हैं, कभी आसोदा बुला रहे हैं। आप दोनों से कहना चाहूंगा कि ये आपका निजी मसला है, आप इसको पूरी तरह निजी रखें, व्यक्तिगत रखें। अपनी कमजोरी को 36 बिरादरी भाईचारा इस तरह की चीजों के पीछे छुपाकर ढाल बनाकर खुद को शेर साबित करना बंद करें। अगर आप सक्षम हैं तो एक दूसरे से मिलें, मुलाकात करें, आपस में इन चीजों को सुलझाएं। मेरी आपसे निजी सलाह है, आप झगड़ा ना करें। फिर भी अगर कोई कसक बाकी रह जाती है तो हम लोग तो बैठे ही हैं आपकी सेवा में, मोस्ट वेलकम, झगड़ा कीजिए, आइए। मैं अपना भी बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों अपने आप को फेमस करने के चक्कर के में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं ताकि लोग जाने इन्हें भी और पब्लिसिटी हो थोड़ी। तो वही हुआ, लास्ट में कहीं लड़ाई नहीं हुई। बंदे कमेंट में कह रहा है लास्ट में आएगा भाईचारा ऑन द टॉप, पर अभी भाईचारा वाला वीडियो नहीं आई। आएगी आएगी वीडियो, आएगी दोनों आपस में आएगी वीडियो पक्का कुछ टाइम के बाद। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।